अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक अजूबा। ये दुनिया का आठवां अजूबा है। तो इससे पहले बहुत ज़्यादा अजूबे आ चुके हैं, तो ये एक न्यू अजूबा हमारे जो है ईजाद हुआ है पाकिस्तान में। इस क्रीम का नाम है अजूबा क्रीम, जो कि बड़ा फ़नी सा मुझे लगा था, लेकिन इसके यूजेज अच्छे लगे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब जैसे इन लोगों ने बताया है वैसे ये वर्क करती है। ठीक है, ये फेयरनेस एंड एक्नी को जो है फेयरनेस को फेस पे लेके आती है और एक्नी को फेस से लेके जाती है। ठीक है, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा था, ये कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह की पैकेजिंग है, प्राइस इसकी 250 है, एक्सपायरी डेट इसकी मेंशन है। जो भी चीज़ लें फेस पे लगाने के लिए, मेकअप से रिलेटेड हो, कोई भी हो, आप उसको एक्सपायरी डेट चेक करके फिर लें। अजूबा ब्यूटी क्रीम के नाम से ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी, किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से। एक्स्ट्रा वाइट मैजिकल फार्मूला है इसके अंदर विद मल्टी विटामिन। ठीक है, बात कर ली जाए अंदर से। अंदर से किस तरह की है, इस तरह की ये अंदर से है। पैकेजिंग इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरी फार्मूला क्रीम से। ये देखिए, इस तरह की ये अंदर से है। पंपलेट इसका अंदर से अवेलेबल है, जिसमें इसका यूज़ बताया गया है कि 15 दिन के इस्तेमाल से हमारे जो फेस पे झुरियाँ, कील, मुहासे, दाग धब्बे सबको ये करता है ख़त्म। अजूबा क्रीम जो है इन सबको ख़त्म कर देती है। अप्लाई करना है कि आपने हल्की सी जो तय है इसकी अप्लाई कर लेती है अपने फेस पे, ज़्यादा मलना नहीं है, रगड़ना नहीं है, उससे हमारी जो है स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, उससे फेस पे लिखा तो नहीं है, लेकिन ये इस तरह ही होता है। अगर ज़्यादा रगड़ते हैं तो हमारा फेस रेड सा हो जाता है, उससे हमारी फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तरीका इस्तेमाल है कि रात को फेस को आपने वॉश करना है, इसके बाद इसको लगाना है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है। मेकअप से पहले भी क्रीम लगा लें ताकि मेकअप के साइड इफ़ेक्ट हमारे फेस पर ना आए। ठीक है, और इन्होंने बताया कि अगर किसी किस्म की सोजिश महसूस कर रहे हैं, मतलब कि किसी किस्म का वो स्वेलिंग कर रहे हैं फील अपने फेस पे, तो एक दिन, एक हफ्ता रेगुलर लगाएं, उसके बाद एक दिन छोड़ दें और एक दिन लगा लें। अच्छी बात है ये। अगर कोई दाने वगैरह निकले हुए हैं किसी चीज़ से, एलर्जी से, तो आप इसको लगाएंगे तो 15 दिन तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, सील पैक नहीं है, या आप इसको खोल सकते हैं ईजीली। और ये देखिए, इस तरह का इसका अंदर से टेक्सचर है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। वाइट वाइट सा आप इसको लगाएं अच्छे से, मेकअप बेस अप्लाई करने से पहले भी आप इसको लगा सकते हैं। बहुत अच्छा इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा, मुझे तो बहुत अच्छा इसके फीडबैक्स मिले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ। साइड इफ़ेक्ट इस तरह नहीं आने कि आपने इसको 2 माह से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ठीक है, अगर हार्मोन्स की वजह से दाने निकल रहे हैं तो उन पे यूज़ ना करें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली और सेंसिटिव है, आप इसको यूज़ ना करें। जिनकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है, नॉर्मल टू ड्राई है, नॉर्मल स्किन टोन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्किन टाइप वाले इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। साइड इफ़ेक्ट इस तरह होगा कि अगर आप इसको लगा के धूप में जाएंगे या किचन का काम करेंगे, ठीक है, डे में ना लगाएं, ज़्यादा बेस्ट यही है, क्योंकि हमारे घर में भी वो जो है सन रेज आ सकती हैं। ये नहीं कि हम घर में हैं तो फिर भी नहीं आएंगी। ठीक है, दिन में ना लगाएं, पर्सनली सजेशन यही दूंगी रात में इसको लगाएं। नाइट क्रीम है, नाइट क्रीम को एज अ नाइट क्रीम ही यूज़ करें। फीडबैक अच्छे मिले हैं, अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, यूजेज मैंने आपको बता दिया है। साइड इफ़ेक्ट इसका सब स्किन टाइप एक जैसी नहीं होती, साइड इफ़ेक्ट अगर आपको होने हैं तो तकरीबन थोड़े से दिन में ही हो जाएंगे। अगर स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है फिर भी आप क्रीम लगाना चाह रहे हैं तो एक हफ़्ता रेगुलर लगाएं और उसके बाद एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएं और एक माह तक इसको लगाएं। ठीक है, बाकी जिनकी स्किन सेंसिटिव नहीं भी है वो 2 से 2.5 माह तक तो जाने ही ना दें। ठीक है, 2 माह तक इसको लगाएं, फिर जो फंक्शन आ रहा है अटेंड करें, उसको ख़त्म हो जाए, फिर इसके बाद 1-2 साल बाद लगानी हो तो तब अप्लाई करें। रेगुलर इनको आप नहीं लगाएं, आपकी स्किन को आदत हो जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा मसले होंगे। अगर हेयर ग्रोथ हार्मोनल इशू चाह रहा है तो हेयर ग्रोथ भी होगी, तो आप इसको मतलब ना लगाएं। कोई मेडिकेट, आप कोई भी क्रीम लगाएंगे, कोई भी क्रीम मेडिकेटेड भी होगी, अगर हार्मोन्स का इशू चल रहा है तो आपके जो है बालों की ग्रोथ ज़्यादा होगी। ये बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है, मैं ये सब कुछ फेस कर चुकी हूँ। मेरे साथ मैंने तकरीबन 2 साल तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने यही सोचा है कि जो कुछ मैंने फेस किया है वो कोई और लड़की फेस ना करे। अगर आपकी स्किन के साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 से 3 साल तक मेडिसिन यूज़ की है, मेरे ये हार्मोन्स का इशू चल रहा था, उस वजह से मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी स्किन के साथ हो क्या गया है, क्योंकि एकदम से अचानक से दाने आ गए, बाल आ गए, स्किन डल हो गई, रफ हो गई। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं उसी से रिलेटेड भी। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 1 साल पहले 2 साल पहले मैंने जो जो चीज़ें यूज़ की हैं, जिस तरह के मुझे रिजल्ट मिले, मैं उसके रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करती रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी है मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, मुझे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं कोई हार्मोन्स का इशू चल रहा है, मेडिसिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो मैंने खाई है। आप मुझे अब अपनी पिक्चर भेजें, अपनी पिक्चर नहीं, सॉरी, अपने जो पिंपल्स हैं या जिस तरह के निशान हैं इंस्टाग्राम पर मुझे वो आप सेंड करें, तो मैं बताऊँगी आप इस पर क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो, क्या चीज़ फ़ायदेमंद रहेगी। क्योंकि यार मैंने बहुत कुछ फेस किया है, मैंने बहुत पैसा लुटाया है इन चीज़ों पर,
तो मुझे बड़ा एक्सपीरियंस रह चुका है इन चीज़ों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी स्किन नीट एंड क्लीन है, लेकिन हार्मोन्स का इशू अभी भी चल रहा है। इस वजह से मैं कोई इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रही, कोई क्रीम यूज़ नहीं करना चाह रही, क्योंकि अगर हार्मोनल इश्यूज होते हैं, अगर आप कोई चीज़ लगाते हैं उनके ऊपर, तो वो ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और ज़्यादा बाल भी हो जाते हैं और ज़्यादा पिंपल्स भी निकल आते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट करें, आके मुझसे बात करें, कोई पूछना चाह रहे हैं बताना चाह रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसको वीडियो अच्छी लगी आप प्लीज़ मेरी वीडियो को कर दे लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ कर दे शेयर। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।